अल्लाह रहमान रहीम, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात बारी की जो रब्बुल आलमीन है। दुरूदो सलाम उस ज़ात पर जो रहमतल लिल आलमीन है। सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम और बलगम का इलाज। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी से ज़्यादातर बच्चे मुतासर होते हैं। वालदैन की थोड़ी सी बेएहतियाती उनको बीमार कर देती है। बच्चों को सर्दी लग जाती है और बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सीने में तकलीफ़ होती है और बच्चों की तकलीफ़ की वजह से वालदैन ज़्यादा परेशान होते हैं। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस यही नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। नुस्खा और तरीका ये है, एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर उसको चूल्हे पर रख दें। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो उसमें मेथी दाने का 1 चाय का चम्मच डाल दें और चूल्हे को बंद कर दें। 5 मिनट के बाद मेथी दाने वाला पानी अलहदा कर लें, उसमें 1 कप पानी मिला लें। इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करें और इस पर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर दम कर लें और ये दिन में 4 बार बच्चे को पिलाएं। इंशाअल्लाह बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। 3 दिन में अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। परहेज़, बच्चों को गर्म लिबास पहनाएं, सर्दी से बचाएं और अगर बच्चा छोटा है तो उसकी माँ लस्सी, दही, मूली, शलजम, चावल और बाजारी जूस वगैरह से परहेज़ करे। इंशाअल्लाह आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसे सदका जारिया समझते हुए आगे भी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।